मैं एक्चुअली मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने आई थी, तो आज बहुत एक मतलब अजीब सी बात हो गई। ऐसी खुशी मैंने कभी नहीं देखी थी ये इसके चेहरे पे। मेरी जो बाई है ना, वो आई थी, वो झाड़ू लगा दिया, बर्तन कर दिया, तो बाद में मैंने बोला पोछा लगा देना। तब फिर स्कूल आना पड़ा छोड़ने के लिए, तब वो इतनी खुश हो गई, मॉप नहीं अम्मा, मॉप नहीं अम्मा, ऐसे ही रिपीट करते करते 2-3 बार। हाँ, मैंने बोला नहीं अभी टाइम नहीं होगा, तुम चले जाओ, क्योंकि छुट्टी के बाद ऐसे फिर स्कूल स्टार्ट होता है तो थोड़ा लेट ऐसे हो जाता है ना। और ड्राइवर भी नहीं आया था आज, तो ड्रॉप करने आना पड़ा, इसीलिए तो ये एक मज़े की बात हो गई। तो मैंने सोचा आप सबसे बता दूं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं उसे, द ग्रेट। उनके बिना तो काम नहीं चलेगा और उनके साथ तो काम तो और बढ़ जाएगा। बाद में बात करती हूँ, बाय। और ये देखिए, ये आशीर्वाद ने ITC का शाही गरम मसाला निकाला है। ये बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा भी डालो तो बहुत स्पाइसी और एरोमेटिक हो जाता है सब्जी। तो इसको मैंने ऐसे ऐसे पैक में आता है, तो मैंने ऐसे इस कंटेनर में खाली कर दिया है। और ये तो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, इसमें रह जाएगा। और ये रवा है 1 kg, मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और ये तो नीचे से स्पार से लिया था, तो ये मैं कंटेनर खाली कर दूंगी। ये जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है ना, 500 ग्राम्स 68 रुपीस है, और इतना ही पड़ा था मुझे भी। और ये उपमा रवा जो है, ये 1 kg 80 रुपीस है। हंड्रेड ग्राम्स 90 रुपीस। ये चना का स्प्राउट्स है, इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। तो तेल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल, राई, थोड़ी सी जीरा। कुटी लहसुन, प्याज और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के थोड़ा सा फ्राई कर दिया है। अभी थोड़ा ड्राई मसाला डालेंगे, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर। अब चाहे तो ये लाल चिली, रेड चिली ना डाल के ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बस थोड़ी देर ही बॉईल किया था ऐसे ही ओपन पैन में, तो नमक डाल के ही बॉईल किया था, तो अभी टेस्ट करके डालेंगे नमक। आज तो ये वाला ब्लॉक कड़ी पत्ता स्पेशल में जाएगा, क्योंकि और 2 डिशेस में बनाने जा रही हूँ, तो उसमें भी यही करी लीव्स ही यूज़ होगा। अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको निकाल देंगे अभी। ये इमली है, इमली को मैंने गर्म पानी में आधा पौना घंटा हुआ भिगो दिया था, तो इसका पल्प निकाल लेंगे और पानी यूज़ करेंगे। तो इससे ना हम एक रसम जैसा बनाएंगे, तो मैं बना रही हूँ। हमारे उड़ीसा में भी बहुत बनता है, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स में भी बनता है। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, ये पंचफोरन, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा राई, और 2 सूखी मिर्च, थोड़ी सी हींग भी डाल दिया है, फिर ये क्रश्ड गार्लिक और ये कड़ी पत्ता डाल देंगे। सीड, ये तो सीडलेस था इमली, पर कहाँ कहाँ पे ऐसे जगह जगह पर रह जाता है, तो इसको निकाल देंगे।
और इतना पल्प निकाल के पानी इतना निचोड़ निचोड़ के निकाल दिया है। इसमें और इसको और थोड़ा डाइल्यूट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा खट्टा हो जाएगा ना। तो जितना पल्प से निकला हुआ पानी था उसे डबल हमने पानी ऐड किया है, डाइल्यूट किया है। मतलब अगर एक ग्लास पल्प से निकला हो वो पानी, तो दो ग्लास हमने पानी नॉर्मल पानी ऐड किया है। अब हम ये ऐड कर देंगे। लास्ट का ये रहने देंगे रेसिड्यूस। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये थोड़ा सा खट्टा रहेगा ना एसिडिटी को अवॉइड करने के लिए, थोड़ी सी ये जैगरी मैं डाल रही हूँ। नमक और सावरनेस टेस्ट करके देखिएगा, अगर ज़्यादा खट्टा रहता है तो और पानी थोड़ा ऐड करके डाइल्यूट कर दीजिए और नमक भी डाल दीजिए तो अच्छा लगेगा। इसमें हम कोरिएंडर लीव्स वो सब धनिया पत्ता वगैरह नहीं डालते, ऐसे ही ये अच्छे से बॉयल लेगा और फिर राइस के साथ खाएंगे गर्मा गर्म। तेल गरम हो गया है अच्छे से, तो इसमें मैं ये फेनल सीड्स सौंफ है ना ये डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च 1.5 ऑनियन मैंने लिया है, ऑनियन को अच्छे से थोड़ा फ्राई करेंगे। मशरूम पेपर फ्राई तो मैंने बनाया है पहले, पर ये मशरूम पेपर फ्राई मसाला बना रही हूँ आज। कड़ी पत्ता डालेंगे, आज कड़ी पत्ता स्पेशल है ना, तीनों डिशेस मैंने बनाए हैं सब में गया है कड़ी पत्ता, ये तो खाना ही चाहिए, बालों के लिए अच्छा है। इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अब हम ड्राई मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, पेपर, हम एक टमाटर डाल देंगे, इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर, ये सौंफ पाउडर, ये टमाटर मैंने डाला है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। कितना अच्छा दिख रहा है ना मसाला, अब हम ये मशरूम डाल देंगे। यहाँ पे नमक भी डाल रही हूँ मैं, मशरूम ने अच्छे से पानी रिलीज कर दिया है और ये बन गया है। लास्ट में अब हम ये करी पत्ता डाल देंगे, सॉरी धनिया पत्ता, और ये करी पत्ता भी लास्ट में डालेंगे। ये हमारा मशरूम पेपर फ्राई मसाला रेडी हो गया है, आप भी ऐसे बनाइएगा और कमेंट शेयर करिएगा।
हाय फ्रेंड्स, और इसी के साथ लास्ट बैच के साथ ब्रिंजल फ्राई मेरा आज का लंच ख़त्म हो गया है। और ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये जो सांभर जैसे चारू भी बोलते हैं हमारे उड़ीसा में इमली की, और ये तो स्प्राउट वाला चना फ्राई, और ये ब्रिंजल फ्राई, और ये है मशरूम पेपर मसाला, और ये राइस। और ये वाला ब्रिंजल जो है ना, इससे बहुत अच्छा लगता है, ये ब्रिंजल फ्राई करेंगे तो ये है हमारा आज का कॉम्बो मील, पूरा देसी है। बारिश होके बंद हो गया है और सब्जी गाड़ी आया था, पर मैं जब जाऊँ खाना बना के तब चला गया, 2 घंटे के लिए बस आया था। सब्जी गाड़ी तो चली गई तो ऑनलाइन मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी आने वाला ही होगा। मैं लोकल मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से कुछ लेसेस ये लेके आई हूँ, ऑरेंज कलर का, ये एक ब्लू कलर का, और ये भी एक, और ये एक ब्लू, तो ये मैं लेके आई हूँ। और इसको मैं किसी चीज़ों पे डेकोरेट करने के लिए, और ये जैसे प्लेन चुन्नी रहता है ना, और ये जैसे प्लेन चुन्नी है तो मुझे ऐसे पुराने चीज़ों को थोड़ा नया स्टाइल से यूज़ करने की आदत है, तो ऐसे मैं साइड में लगा रही हूँ। अगर देखूँगी पूरा बॉडी पे चारों ओर लगाऊँगी अच्छा दिखेगा तो मैं लगाऊँगी, नहीं तो सिर्फ दोनों साइड में से ऐसे स्टिच कर दूँगी। धीरे धीरे कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि हाथ से ऐसे कर रही हूँ सुई धागा लेके, और कितना अच्छा दिख रहा है, नया लुक मिल गया पुराने जैसे चुन्नी हो, कोई भी प्लेन वाइट भी है मेरे पास, ऑरेंज भी है और ब्लैक भी है, तो कोई भी कलर का आप लेके रीडिज़ाइन और री लुक दे सकते हैं। डिनर में कैप्सिकम और आलू की सब्जी बनाई है, और आज राइस ही बना दिया है, एक ब्रिंजल को ऐसे काट के बना दिया है, और यहाँ पे दूध उबलने रखा हुआ है। आज सब्जी नीचे आया था, पर मैं जब लंच बना के जाने के लिए रेडी हुई तब तक वो बारिश हुआ तो चला गया था वो जल्दी ही, बस 1.5-2 घंटे के लिए ही आया था। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया है, वो आया है अभी, सब्जी ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ था, और ये अनराइप एक पपाया, आलू और प्याज, आलू 2 किलो और प्याज 1 किलो, और इसमें दूध नहीं, ये पनीर, और ये मोमोस, वेज मोमोस, वेजिटेबल एंड पनीर मोमोस, ये 24 पीसेस है। अच्छा सा एक बैग में पैक करके देते हैं, वो एक अच्छा है। तो आज मैंने मिस कर दिया,
सब्जी नीचे, तो वो इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। और बाहर से भी लेके आई थी कल कुछ पपाया, रॉ पपाया और बैंगन, वो सब वो भी है, तो देखते हैं कितने दिन चलेगा। फूल वगैरह भी लेके आई थी, नींबू, दूध, वो सब है।